हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का अगला भाग। तो हम लोग राइटर को ओपन कर लेते हैं। किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं हम। टेक्स्ट को लिखने के बाद मुझे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज को बढ़ाना है, तो यहाँ से इसकी साइज को बड़ा कर लेते हैं। फिर इसको बोल्ड कर लेते हैं। अंडरलाइन में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अंडरलाइन लग जाएगा। अंडरलाइन को हटाने के लिए मुझे अंडरलाइन को हटा देना, क्लिक कर देंगे, यहाँ से अंडरलाइन हट जाएगा। फिर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है केस चेंज करने के लिए दिया है, तो मैंने अपर केस लगाया, तो मैंने लोअर केस लगा दिया। लोअर केस लगाने के बाद जैसे मैं ओके करता हूँ तो आपका जो लेटर है वो लोअर केस में चेंज हो गया। यहाँ तक मैंने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे टेक्स्ट में स्टिक थॉक कैसे लगाते हैं। स्टिक थॉक का मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट में ऐसा एक लाइन, इस टेक्स्ट के बीचों बीच में एक ऐसा लाइन खींच देंगे जैसे लगता है कि ये टेक्स्ट आपका गलत है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके टेक्स्ट पे ये इफेक्ट लग जाता है। फिर मुझे इसको हटाना है, तो मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसी ऑप्शन पर जा करके पुनः क्लिक कर देना है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल को कैसे डिलीट करते हैं। ये रहा आपके सामने टेबल। टेबल ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। अगर मुझे एक लेना है तो एक, दो लेना है तो दो, जितने लेने हैं, जितना टेबल लेना है उतने टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उतने रो उतने कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आया। अब ये आप देखेंगे इसके जो बॉक्स हैं ये इतने बड़े क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूँ, यदि आपने फॉन्ट का साइज इतना बड़ा कर रखा है तो इसीलिए आपका ये जो फॉन्ट था, जो टेबल का बॉक्स है, इतना बड़ा दे रहा है। यदि मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, फिर से इस टेबल को लेके आता हूँ, उसके बाद मैं इसको सही करता हूँ, तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साइज़ को मैंने कोई लेटर लिख दिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अब हम किसी टेबल पे लेंगे, जो कोई टेबल लेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। मैंने टेबल को ले लिया। अब देखिए टेबल आपका छोटा हो गया। इस टेबल को मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मैंने टेबल को सेलेक्ट कर लिया। इस टेबल के जो टेबल के सेल हैं इनको मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल पे जैसे क्लिक कर देंगे वो सेल मर्ज हो जाएगा। टेबल के अंदर मुझे कोई और भी टेबल बनाने हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसी पर राइट क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट दिया हुआ, तो इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। अगर रो बढ़ाना है तो रो और कॉलम बढ़ाने हैं तो कॉलम। तो मैंने इस पर क्या किया, रो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे नंबर एक है तो यहाँ का नंबर हम कितना कर देते हैं, तीन। जैसे मैं नंबर तीन करके ओके करता हूँ तो देखिए इसमें तीन और रो ऐड हो गए। अब मुझे कॉलम्स को बढ़ाना है तो मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा, इसी पे राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे आ जाता हूँ। मुझे कॉलम पे लगाना है तो मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा और मुझे कॉलम, तीन और कॉलम मुझे ऐड करने हैं, तो मैंने तीन और कॉलम को ऐड कर लिया। जैसे मैं ओके करूँगा तो तीन कॉलम ऐड हो जाएंगे। देख पा रहे हैं आप लोग, ये रो है एक दो तीन, ये रो है और एक दो तीन, ये कॉलम स्टे आपके आ गए यहीं पे। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे सेल को मुझे इसमें कोई इमेज लगाना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी पर राइट क्लिक करके इसको मर्ज कर देता हूँ। फिर मुझे कोई सेव लेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद गैलरी में जाते हैं और गैलरी में जाने के बाद ये इतने हमारे पास इमेज हैं, इनमें से हम किसी एक इमेज पे क्लिक करेंगे या किसी एक पिक्चर पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो बार क्लिक किया तो ये सेव जो है वो आपके टेबल में आ गया। अब अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं टेबल के अंदर, तो आप उस टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। टैब बटन दबा करके आप दूसरे बटन पे चले जाएंगे, उसके बाद आप इसी तरीके से आप इसमें टाइप कर सकते हैं। मैंने टैब बटन दबाया हो नहीं था इसीलिए ये इसी में रह गया। यदि आपको टैब बटन दबा करके दूसरे रो में जाना है तो आप जा सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं इन सबको मुझे डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टेबल ऑप्शन पे आया और टेबल हट गया।
अब आइए देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो मैं सब स्क्रिप्ट, जैसे यदि मुझे मैथ के फार्मूले लिखने हैं तो मैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, और अगर मुझे केमिस्ट्री के फार्मूले लिखने हैं तो मैं सब स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। आपके स्क्रीन पे ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें होल स्क्वायर लगाना है तो मुझे सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पे, सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे मैंने सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और मैंने दो लिखा तो वो स्क्वायर में लग गया। फिर से सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे जा करके क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद बराबर लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस तरीके का फार्मूला आपका लिखा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने कुछ शब्द लिख लिए हैं, जैसे मैंने ए लिख लिया है तब इसके ए के ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। और जैसे मैं दो लिखता हूँ तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर है, फिर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ बी स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए बी है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब आइए हम लोग केमिस्ट्री के फार्मूले को देखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। हमने लिखा है H2O। अब इसमें मुझे फार्मूले को क्या करना है, H2 को नीचे की तरफ करना है, तो मैं सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो 2 है वो नीचे की ओर हो जाता है। इसके बाद हम एक और फार्मूला देखते हैं, तो ये हम लोग लिख लेते हैं पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। मैं सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से 2 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर इस ऑप्शन को हटा करके मैंने H2O लिख दिया। इसी तरह से और भी केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है C6 लिख लेते हैं H12O6। आप लोग देख रहे होंगे इसको हमने सेलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको भी सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ये केमिस्ट्री का फार्मूला हो गया। इस तरीके से हम फार्मूले को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है तो हम इसको स्पेस को हटा देना। उसी के साथ अब हम लोग देख लेते हैं अलाइन। अब हम लोग देखेंगे ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+M। मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज को बड़ा कर लिया और इसको बोल्ड कर दिया, इस पर अंडरलाइन लगा दिया। इसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे, कलर हमने दूसरा रख दिया। अब मुझे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, इस पर जितने भी फॉर्मेट दिए गए वो सारे के सारे फॉर्मेट एक बार में हट जाएंगे। तो ये हम लोग देखते हैं, जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, ये सिंपल सा टेक्स्ट आपका आपके सामने हो गया, क्योंकि इसके पहले आपका जो टेक्स्ट था वो इस तरीके से था। आपने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया था तो जितने भी फॉर्मेट थे वो सब के सब हट गए। समझ में आया आप लोगों को। अब इसके कलर, ये टेक्स्ट के कलर को हटाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं आप। ये कलर, पेज का कलर चेंज हुआ। अभी टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए आपको बगल में क्लिक करना पड़ेगा, जिसको फॉन्ट कलर के नाम से जानते हैं, तो फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को आप अलाइन करना चाहते हैं तो सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में कर सकते हैं, राइट में करना चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं, लेफ़्ट में करना चाहते हैं तो लेफ़्ट में यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये जस्टिफाई है, जहाँ था वहीं पर पुनः हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया। यहाँ पे आपको बुलेट्स देने हैं, बुलेट्स देने के लिए आप यहाँ से बुलेट्स को लगा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F12, और उसी के बगल में दिया है F12 करेंगे तो नंबर लिस्ट आएगा, जैसा कि मैं आपको शॉर्टकट की से भी दिखा दूँगा। अभी मैंने नंबर को हटा दिया है, अभी मैं नंबर्स को हटा दे रहा हूँ। यहाँ से नंबर को मैंने हटा दिया है, तो मैं F12 बटन जैसे ही दबाता हूँ वैसे ही आपके सामने नंबर लग जाएगा। और शिफ्ट के साथ यदि आपने इसको यहाँ से एंटर किया तो आपका टेक्स्ट हट जाएगा। तो मैं इस नंबर को हटा कर अगर मैं शिफ्ट के साथ ही F12 बटन दबाता हूँ तो देखिए आपके सामने बुलेट लग जाएगा। ये बुलेट रहा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि शिफ्ट के साथ ही F12 बटन दबाएंगे तो बुलेट आएगा, और शिफ्ट के साथ ओनली F12 दबाएँ तो नंबर आएगा।